पुण्यात्माओं, आज तक हमें परमात्मा की ABC का भी ज्ञान नहीं था। हम कह के भी अध्यात्म मार्ग का नहीं जान पाए, चाहे हम अपने आप को कितने ही विद्वान मानते रहे, चाहे हमने वेदों को कंठस्थ याद भी कर लिया, श्रीमद् भगवद गीता के सभी श्लोक भी हमने रट रखे थे, क्योंकि इसके विषय में परमेश्वर स्वयं आकर ही बताते हैं, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। ओए होए, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था कि ये ऋषि महर्षि ब्राह्मण लोग विद्वान संत मंडलेश्वर वेदों को कंठस्थ तो याद कर लिया, इनकी प्रभुता भी बनी हुई है, कोई चतुर्वेदी कोई त्रिवेदी कोई द्विवेदी, कि इन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा है, किसी ने 3 वेदों को वो त्रिवेदी कहलाता है, किसी ने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था वो द्विवेदी कहलाते थे। अपने आत्माओं, यहां परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी प्रत्येक आत्मा जब से वो परमात्मा कहते हैं मेरे से बिछड़ी है, उसी के तुरंत बाद इसको एहसास हो गया है कि हमसे गलती हो चुकी है और हमारी कोई अनमोल वस्तु हमसे छीनी जा चुकी है और उसके बगैर हम रह नहीं सकते, उसके बगैर हम सुखी नहीं हो सकते, उसको अब हम परमात्मा कहते हैं। तो जिस कारण से इस आत्मा ने उस वस्तु को पाने के लिए एक बरसक प्रयत्न किया और अभी तक वो सशत प्रयत्न जारी है, उसके लिए उन्होंने जंगलों में जाना, राज त्याग देना भी उचित समझा, शरीर नष्ट हो जाए गल जाए, तपस्या कर करके उन्होंने भगवान पाना ही चाहा पर नहीं मिला। उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, पढ़ने लगे थे परमात्मा को खोजने के लिए, फिर वो याद हो गए क्योंकि पहले शांत स्वभाव के लोग होते थे, वर्तमान की हाहाकार नहीं थी, बार बार के रिपीटेशन से आवृत्ति से ये कंठस्थ हो जाते हैं। तो उन्होंने चारों वेदों को याद कर लिया और कोई भी कहीं बोलता तो वो तुरंत उसके अध्याय और मंत्र को तुरंत सुना देता, जिस कारण से वो प्रभुता प्राप्त हो गए। और जब प्राणी को प्रभुता प्राप्त हो जाती है, परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है, क्योंकि जीव साहब नहीं हो सकता, परमात्मा ही साहब है। अब आप देखते हो हम कितने अज्ञानी हो गए, हम छोटी सी पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, यदि हम कोई सीधा नाम पुकारता है तो हमें दुख होता था, और हमें साहब बोलता तो हम प्रसन्न होते थे, छाती फूल जाती है। इस ज्ञान से पता चलेगा कि साहब क्या है और जीव क्या है। तो कहने का भाव यह है कि वो वेदों के कंठ करने वाले इतने प्रभु बन गए, उनको ब्राह्मण कहने लगे। ब्राह्मण का अर्थ होता ब्राह्मण सोए जिन ब्रह्म पहचाना, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्रह्म माने भगवान, परमात्मा को पहचाने। अपने आत्माओं, यहाँ क्योंकि यह दातम मार्ग है, पहली कक्षा के बालक भी आते हैं, तो ब्रह्म कार्य ना समझ लेना कि निरंजन ज्योति काल है, नहीं। ब्रह्म का अर्थ वैसे प्रभु होता है, भगवान होता है, राम कहो साब कहो ब्रह्म कहो, लेकिन जैसे हम पूर्ण परमात्मा कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, इसका मतलब कोई इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है, लेकिन ब्रह्म शब्द पर्याप्त है परमात्मा के लिए। लेकिन यहां ये नकली प्रभु गणे हो गए, तो इसलिए प्रभु की पहचान जिसने कर ली, ब्रह्म की पहचान जिसने कर ली, वो ब्राह्मण कहलाता है। दास अपने प्रवचनों में बहुत बार पंडितों ब्राह्मणों के विषय में
उनकी मूर्खता अज्ञानता सुनाता है, तो उसमें ये ना समझें कि दास एक ब्राह्मण वर्ण को कह रहा है। ब्राह्मण वर्ण अलग वस्तु है। जैसे एक वैद्य था और वो बहुत अच्छा वैद्य था, नाड़ी पकड़कर तुरंत बता देता था अमुक रोग है, औषधि भी उसके पास कारगर थी, सुप्रसिद्ध हुआ। उसकी एक दो पीठी उसके द्वारा बताई औषधि और उस विधि से वो उपचार करते रहे, वो भी वैद्य कहलाए। लेकिन आगे चल के वो लाखों की संख्या बन गई उनके वंशजों की, और वो वैद्य नहीं है फिर भी उनका सरनेम वैद्य बन गया। अब कोई कुछ कार्य करता है, कोई कुछ कार्य करता है, वो भी अपने पीछे लगाता है रमेश वैद्य, और काम क्या है उसका, परचून की दुकान, जानता नहीं पेट के दर्द की दवाई औषधि, और लिखता है रमेश वैद्य, तो वो वैद्य नहीं है। और यदि कहीं किसी वैद्य की मूर्खता बताई जाती है कि रोग ये दवाई ये दे रहा है ये खाक वैद्य है, तो उस वैद्य को दुख नहीं होता जो परचून की दुकान किए हुए। इसी प्रकार ब्राह्मण की विषय में जानना, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, पंडित नहीं कहते थे, पंडित। ब्राह्मण की दूसरा पर्यायवाची पंडित भी कहलाता है, पंडित का भी यही अर्थ होता है। वो ब्राह्मण नहीं कहलाते थे जो हमने अपने परंपरागत समझ लिया है। हम किसको ब्राह्मण मानते हैं, जो श्राद्ध निकलवाता हो, पत्रे बांच कर सुना दे तेरे भी आपत्ति आनी है, ये ऐसे शर्त कर दे, ऐसे वैसे कर दे, ये ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन यदि हम पंडित की परिभाषा समझना चाहें, तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहलाते थे कि हमने पंडिताई कभी की नहीं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। और मेरे दादा गुरु जी छावला गांव दिल्ली के अंदर, दिल्ली स्टेट में एक छावला गांव है नजफगढ़ के पास, वहां के वो जाट थे, और बचपन से ही वो हमारे जो चौथे दादा गुरु जी थे उनके संपर्क में आ गए। उन्होंने उसको काशी विद्यापीठ में पढ़ाया, अपने पास ही रखा, तो वो चार विषय के आचार्य बन गए उस विद्या को पढ़कर। लेकिन उन्होंने पंडिताई की नहीं, फिर भी वो पंडित चिदानंद नाम से जाने जाते थे, और उनका आश्रम बना हुआ है जिला सोनीपत हरियाणा, तहसील खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है छोटा सा, उसमें उनका आश्रम बना हुआ है। दास उसको बहुत बार देख कर आया है, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम, जबकि वो वर्ण में जाट थे। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि इन चीजों का आप हमने इनसे ऊपर उठना है, जातिवाद से। हमारी क्या जाति है, जीव हमारी जाति है, और मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, फिर हमने कोई भी दूसरा सा नहीं दिखेगा, ना कोई मुसलमान दिखाई देगा, ना कोई ईसाई दिखेगा, ना हमें कोई हिंदू दिखेगा, ना कोई सिख दिखाई देगा। हम एक पिता की संतान हैं, हम परमात्मा के लिए ही विभाजित हुए हैं, परमात्मा के लिए अब हम एक होंगे, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाएगा। हम रूढ़िवादी नहीं रह सकते, क्योंकि परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए आपको दी है। अब हम अपने